आज की वीडियो में बनाऊंगी मैं ये पर्ल कॉलर नेकलेस, जिसको मैंने डिफरेंट साइज के पर्ल्स से बनाया है। इसमें मैंने वाइट पर्ल्स को यूज़ किया है। इट्स अ ब्यूटिफुल नेकलेस। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो पहले मैं ये हुक को लगाऊंगी, उसके बाद मैं लूंगी ये फोर बीट्स को। फर्स्ट बीट में से पास करेंगे। और नेक्स्ट टू बीट में लेंगे। अब नेक्स्ट थ्री बीट्स को लूंगी मैं। तो इस टाइप से इसको आगे बनाते चले जाएंगे। नेक्स्ट मैं फिर थ्री बीट्स को लूंगी। तो ये तैयार हो जाएगी इस टाइप से नेकलेस की फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को हम पूरा ऐसे बना लेंगे नेकलेस की लेंथ कंप्लीट होने तक। तो अब देखिए ये फर्स्ट रो नेकलेस की रेडी हो गई है। तो अब इसको नीडल को मैं यहाँ पे ले आऊँगी। तो सेकेंड रो के लिए एक ये स्मॉल बीट को लेंगे 6 mm के। उसके बाद मैं लूँगी ये 8 mm का बीट और फिर लूँगी ये 6 mm का बीट और 6 mm का बीट और फिर बिगर बीट को लूँगी। और ऐसे पास करेंगे। तो इस तरह से इस रो को बनाते चले जाएंगे। ये नेक्स्ट स्पीड में से पास करेंगे। ये एक स्मॉल बीट, फिर बिगर बीट को, और फिर इसमें से पास करते हुए नेक्स्ट बीट में से
मैं नीडल को ले आऊंगी। तो आप देखोगे कि ये सेकेंड रो इस टाइप से बनती चली जाएगी। इसको पूरी रो को इसी टाइप से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए इस टाइप से ये सेकेंड रो बनती चली जा रही है। अब देखिए ये सेकेंड रो भी बन के रेडी हो गई है। अब मैं थ्रेड को यहाँ से इस बीड में ले आऊंगी। तो अब यहाँ पे मैं जो 8 mm के पर्ल्स हैं, पहले एक वो पर्ल डालूंगी, उसके बाद मैं एक बिगर बीड को डालूंगी जो कि 12 mm का है यू, और फिर एक स्मॉल बीड को, मीन दो ये बीड और बीच में सबसे बड़ा बीड। और इसको नेक्स्ट बीड में से यूं क्रॉस करेंगे। तो ये इस टाइप से दिखाई देगा। उसके बाद एक ये बीड लूंगी मैं, ये वाला 8 mm का, और उसके बाद एक बिगर बीड को लूंगी। उसी तरह से ले जाते हुए नेक्स्ट बीड में से क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट बीड में एक बीड को लूंगी और सबसे बड़े वाले बीड को लूंगी। और इस टाइप से नेक्स्ट स्पीड में से यूं क्रॉस करेंगे। तो आप देखोगे कि इस तरह से ये डिज़ाइन आगे और बनता चला जाएगा। तो ये देखिए ये इस टाइप से ये रो भी कंप्लीट होती चली जाएगी। इसमें मैंने ये 6 mm, 8 mm और 12 mm के पर्ल्स को यूज़ किया है। तो ये देखिए ये रो इस तरह से बनती चली जा रही है। तो ये देखिए ये नेकलेस सब बन के कंप्लीट हो गया है। तो एंड में मैं इसको थ्रेड को यहाँ से यहाँ लाते हुए इसको फिनिश कर दूंगी। एक बार फिर यहाँ पे नॉट लगा लेंगे ताकि ये थ्रेड जो है स्ट्रांग हो जाए और ये पर्ल्स कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। और लास्ट में थ्रेड को अंदर की तरफ ले जाते हुए फिर इसको कट कर देंगे।
तो ये देखिए ये नेकलेस सब बन के रेडी हो गया है। आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।